जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक बस लास्ट, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। इस टाइम आए हैं यहाँ, कॉलोनी बन रही है प्लाजा टाइप का, मतलब जगह घर बन रहा है यहाँ पे। इस टाइम पहुँचे हैं किस जगह पे, पूछते हैं आमिर साहब से कि लोकेशन कौन सी है, कहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, वालेकुम सलाम, ये क्या कौन सी हाल है लोकेशन जानते है, हैं सर? कैसी, ये रोड कहाँ से यहाँ से आ रहा है, कैसे, मतलब ये बताएं हमारे तमाम को, व्यूअर को। ये जनाब सलामा के करीब है एक जगह, ठंडा गुरमानी रोड है, ये बाईपास रोड है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये फातिमा मिल की तरफ अच्छा, जाएगा ये सीधा। यहाँ से जो आ रहा है फातिमा मिल से हाँ आएंगे, ये जो वहाँ लिंक से रोड है, लिंक लिंक रोड रोड है और यहाँ पे। यहाँ पे एक कॉलोनी बन रही है जिसका नाम है गार्डन टाउन। अच्छा, गार्डन टाउन यहाँ हाँ बने, जी, ये जो ये है इसका रोड की यहाँ पे जगह, इसका ये मेन गेट का काम शुरू होगा यहाँ पे मेन गेट लगेगा, ये। मतलब हाँ यहाँ जी, पे ये ठीक, इसका कमर्शियल एरिया है, ये कमर्शियल यहाँ एरिया पे शॉप्स बनेंगे, जी, इस साइड पे शॉप ये बनेंगी, साइड भी कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे यहाँ भी इस साइड पे भी दस शॉप, दुकानें यहाँ पे बनेंगी, 10 दुकानें तकरीबन मतलब यहाँ 10 दुकानें पर। यहाँ इस साइड पे बनेंगी, 10 दुकानें इस हाँ साइड पे जी, बनेंगी, और ये यहाँ मेन पे गेट है, यहाँ मेन गेट है, ये और रोड होगा। ये मेन रोड जाएगा कॉलोनी का, जो मेन फेज है, मकसद अच्छा, ये कॉलोनी का है। मेन गेट है, तो ये प्लॉटिंग कैसे है, मतलब है 5 मरले के, 10 मरले के, हाँ कितने जी, के ये जो जो स्टार्ट में ये वाले प्लाट हैं, ये सारे 10 10 मरले के हैं, स्टार्टिंग तकरीबन में 10 10 मरले के दस प्लाट दस हैं। मरले के 8 प्लाट हैं, अच्छा और इस साइड पे भी ऐसे हैं, अच्छा शुरू के मतलब जो उस प्लाट हैं वो साइड पे दस भी, दस मरले के हैं। ये उस साइड पे भी मतलब प्लॉट हैं 10 10 मरले के, इस साइड पे भी, तो ये जो इस साइड पे क्या मतलब देंगे ये जगह, ये वाली जगह जो है ये ना ग्रीन बेल्ट है, अच्छा ग्रीन एरिया, ग्रीन यहाँ एरिया पे है, मतलब हाँ ग्रीन बेल्ट होगा, यहाँ यहाँ बच्चे पे बैठे हैं खेलें, बच्चों के लिए फ्लावर्स झूले, होंगे, फ्लावर पैदल चलने का रास्ता होगा, पैदल चलने का फ्लावर वो होंगे बच्चे के ग्रीन भी लिए, होगी, मकसद एक ग्रीन बेल्ट बनेगा, ग्रीन ग्रीन लैंड, व्यू खूबसूरती के लिए, खूबसूरती, और मतलब यहाँ पे लाइट्स भी यहाँ पे लगेंगी। कितने प्लॉट है, मतलब ये टोटल तकरीबन 100 के करीब प्लॉट्स हैं पूरी 100 के कॉलोनी में, करीब प्लॉट है यहाँ पे, जिसमें 10 मरले के भी हैं, 8 मरले के भी हैं, 7 के भी, 6 के भी और 5 के भी। और कितने मतलब सेल हो चुके हैं आपकी सोच में, तकरीबन 20 के करीब सेल हो चुके हैं 20 के करीब सेल हो चुके हैं। इस दफ़ा। अभी शुरू में जो रेट है ना वो कॉलोनी का वो है 1,50,000 रुपया। 1,50,000 रुपये हाँ, जो मतलब कि है, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद कॉलोनी है जिसका तकरीबन तकरीबन सबसे कम रेट उन्होंने रखा हुआ है। कम रेट, और जो सहूलियात दी हुई हैं हाँ, बहुत सारी, जिस ग्रीनरी तरह, दी हुई है हाँ सब जी, दी जगह ग्रीन पे, बेल्ट है ये, ग्रीन माशाल्लाह बेल्ट, बड़ा VIP रोड दे रोड रहे भी हैं, देख सकते हैं आप, बहुत लाइट्स दे चौड़ा, रहे कितना हैं, चौड़ा रोड है, मतलब कहने ये आप तकरीबन 50 फुट है ये सारा एरिया, 50 फुट, आप ये देख सकते हैं वहाँ से रोड चौड़ा है, इतना मतलब है कोई भी कॉलोनी नहीं देती ग्रीन इस साइड, बेल्ट के साथ ही ग्रीन 50 बेल्ट फुट के साथ, पहुंच मतलब जाएगा। इतनी सहूलत दी हुई है यहाँ पे, और पानी की निकासी भी है उसकी, बैक साइड पे वहाँ दिखाते हैं, और फिर यहाँ ये क्या क्या चीज़ बनेगी मस्जिद, मतलब इसके अंदर, इसमें ये है कि एक पार्क भी दे रहे हैं आपको बच्चों के खेलने के लिए, आउटिंग जो होती है हाँ हाँ सही बिल्कुल उसमें झूले वगैरह लगेंगे, बच्चे एंटरटेन करेंगे, फैमिलीज आएंगी, सही, तो उसमें ये है कि फिर बिजली दे रहे हैं, फिर सेवरेज है, ये आपके सामने रोड है, एक स्कूल भी दे रहे हैं, या स्कूल भी दे रहे हाँ हैं इसमें, स्कूल की फैसिलिटी भी दे रहे हैं इसमें, और मस्जिद भी बनेगी, जामिया मस्जिद, डबल स्टोरी बड़ी माशाल्लाह मस्जिद माशा, होगी। अभी इस कॉलोनी के अंदर स्कूल भी मतलब आपको मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी, अब तमाम अभी ये सहूलतें आपको देखिए, ये यहाँ अभी मौजूद काम हैं, स्टार्ट हो गया, ये मट्टी आ तमीर, रही है, जी, ये देखो मट, ऐसा ऐसा इसके बाद रोड आएगा, और सारा काम ना हाँ इस ये साइड पे जाएं, अपने तकमील को पहुंचेगा ऐसा ऐसा। ये देखें इस टाइम मटेरियल जारी जा रही है रोड पे भी, साइड पे भी, तमाम लेवल से हो जाएगा, फिर रोड बनेगा, उसके बावजूद ये प्लॉटिंग के लिए मतलब 20 प्लॉट फ्लॉक हो चुके हैं, अभी मज़ीद भी होंगे, ये 10 10 मरले के स्टार्टिंग में, जो मतलब यहाँ से जब इंटर होंगे कॉलोनी के अंदर वो अभी ये दस 8 मरले मरले के के हैं, शुरू हो गए फिर यहाँ से, ये इस आप जगह से, यहाँ से आप देखें 8 मरले के शुरू हो गए, जो आगे वहाँ भी जाएंगे, वहाँ मस्जिद का भी एरिया रखा हुआ है, 5 मरले के प्लॉट वहाँ पर भी हैं, वहाँ भी जाके आपको दिखाते हैं उसकी लोकेशन, अगर कोई सच मतलब जो दोस्त देख रहा है वीडियो यहाँ के करीबी भी है, कोई लेना चाहे तो प्लीज़ यहाँ आ सकता है, विज़िट कर क्योंकि सकता है, किस्तों पे भी हैं, नकद भी हैं। किस्तों किस, में ये है कि वो 1,50,000 रुपये है अच्छा फिलहाल, जो उन्होंने इनिशियल रेट रखा हुआ है, शुरू का रेट है, सही सही, और जो नकद है वो 1,30,000 रुपये है। अच्छा ये हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी सहूलत है, जो गरीब लोग हैं वो थोड़ा तकरीबन 30% एडवांस है, जो 5 मरले का तकरीबन 2.25 लाख बनेगा, सही और पर मंथ 11,000 11,500 किस्त बनेगी। सही, ये तो मेरे ख्याल में हर बंदा आसानी से दे सकता है, इतना मतलब ज़्यादा हमारे बोझ भी नहीं है। बिल्कुल बोझ भी नहीं, और सुना है सिटी, हमारे सिटी शहर में इतनी सहूलत और अच्छी मतलब यहाँ बन रही है कॉलोनी, हर चीज़ की सहूलत भी मौजूद है यहाँ पे, पानी की सबसे बड़ी बात है पानी की निकासी बहुत बेहतरीन है, उसकी बैक साइड पे भी जो कस्सी टाइप का खाला जा रहा है उस साइड पर निकासी होगी, लाइट भी आ जाएगी, बहुत तरमी काम यहाँ बहुत जल्द जा रही है, तो यहाँ आपकी भी प्लाटिंग हुई, आपने भी इशू किया यहाँ लिया है, जो जी, कोशिश में मैंने है, यहाँ पे 2 प्लॉट्स लिए हैं तकरीबन, एक है 6 मरले का अच्छा माशाल्लाह, और एक है 5 मरले का, अच्छा माशाल्लाह, कहाँ, तो मैंने तो किस्तों पे लिए हैं, अच्छा माशाल्लाह तो मैंने एडवांस पे कर दिया है, अब मैंने तकरीबन कब्ज़ा मेरा रहता है, मैंने वो कब्ज़ा लेना है, सही, और मैं भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ना
अपने ना इधर इमारत खड़े कर और दूंगा यहाँ के इंशाल्लाह। जो ओनर है मतलब इस कॉलोनी के जो वो कौन है मतलब कैसे जी मतलब? वहाँ के जो ओनर हैं वो हैं जनाब फजल अली कुरैशी साहब हैं। अच्छा ये तकरीबन ये सारी कॉलोनी उन्हीं के अंडर है अच्छा और यही उसको तकरीबन मैनेज कर रहे हैं, सारी सुपरविजन उन्हीं के अंडर है। अच्छा हाँ जी तो मैंने ये भी सुना है इस साइड पे जो प्लॉट पड़ा हुआ है किसी और का उनका फिर उस साइड पे पड़ा है, अगर मिल जाए तो ये एक साथ हो सकती है हाँ जी, ये भी हमने सुना है कि ये वाली ज़मीन की बात चल रही चल है, रही है। तो इंशाल्लाह ये कॉलोनी ना मजीद आगे बढ़ भी सकती है, मकसद इसका सही फेज़ टू भी बन सकता है अगर। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से रास्ता यहाँ से भी दे सकते हैं हाँ जी, फिर यहाँ से यहाँ पे रास्ता। एक रोड लिंक रोड बन जाएगा ना कॉलोनी का, तो सही कॉलोनी एक्सपेंड हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही बात है सही बात है। ये कितना टाइम हुआ मैट्री डाली गई है, इसको काम को शुरू किया गया है अभी कितने? तकरीबन 1 वीक हुआ, 1 वीक में ये है जो रोड के बॉर्डर हैं, ये दिखे हैं हाँ ना, ये रोड के बॉर्डर लगे हुए हैं, ये ईंटें हैं, ये ये रोड ईंटें लेवल लगी हुई लेके हैं, यहाँ लेवल है पर। यहाँ पे रोड जो बनेगा साइड पे, ये मट्टी डालने हैं आपको। ये देखें वहाँ से कितनी लंबाई से वहाँ वहाँ से आ चुके हैं, मतलब ये प्रायोरिटी जो हो रही है यहाँ पे काम जा रही है, मट्टी डाल चुकी है यहाँ पे। इस साइड पे आप देख सकते हैं जो ईंटें लगी हुई हैं यहाँ तक रोड बनेगा। अब आगे अब जाएंगे ये 7 मरले की प्लाटिंग शुरू हो गई है। 7 मरले, हाँ जी अब यहाँ से 7 मरले की मतलब प्लाटिंग शुरू हो रही है साइड से, यहाँ से मतलब जैसे 10 की फिर 8 की फिर 7 की 6 की फिर 5 की मतलब हो रही है। फिर उस साइड पे जो सेंटर में है वो मस्जिद है, वहाँ पे आपको दिखाते हैं वो छोटे प्लॉट भी हैं, मस्जिद भी वहाँ बनेगी। यहाँ काम बहुत जल्द जा रही है, कोई भी लेना चाहे प्लीज़ यहाँ विज़िट कर सकता है। आपको हमने तमाम वीडियो में हर चीज़ इसकी डिटेल बता दी है, वहाँ का रास्ता जो लोकेशन थी वहाँ यहाँ से आ सकते हैं। अगर मिलना चाहें तो यहाँ पे मिस्त्री काम कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं जो यहाँ का ओनर है मतलब है इस चीज़ का, फिर इस चीज़ को। अच्छा जी दोस्तों अभी नज़दीक पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से रोड दो साइड पे लग रहा है, इस साइड पे भी जा रहा है यहाँ से भी जा रहा है। ये जगह जो है मस्जिद की जगह यहाँ मौजूद है, यहाँ मस्जिद बनेगी इस जगह पे हाँ जी, ये मस्जिद और पार्क दोनों इकट्ठे बनेगा, डबल स्टोरी मस्जिद यहाँ। होगी, अच्छा उसके साथ ही फिर आगे जो सैन होगा उसको पार्क का हिस्सा भी देंगे। और ये रोड भी तो यूं ये भी जो लाई जाएगा। अब ये जो हमें ये गोल गोल नज़र आ रहा है ये सारा ये रोड ही है, ये अच्छा दायरा नुमा ये है, रोड है कॉर्नर साइड से, कि अब यहाँ प्लॉट जो ये 5 मरले के ये प्लॉट 5 मरले के है। प्लॉट है जो कॉर्नर के हैं उनके लिए सहूलत बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से भी रोड इसके लिए जा रहा है, फिर यहाँ से वहाँ जाएगा, मस्जिद भी सामने बिल्कुल है। अब यहाँ मजदूर से फिर मिस्त्री यूं आए हुए हैं, जाएगा, काम शुरू हो गया मजदूर मिस्त्री तकरीबन यहाँ आज पे आए से। हुए हैं, इस टाइम अभी काम जारी है कुछ। तो यहाँ जो जगह है ये जगह मस्जिद की जगह बनाई जाएगी, पार्क भी बनेगी, 2 मंजिल मस्जिद होगी, यहाँ पार्क भी होगी। यहाँ काम जो जैसे जारी है आप देखिए, स्टार्ट में मिस्त्री भी आए हुए काम हो रहा है। ये प्लॉटिंग 5 5 मरले के प्लॉटिंग है यहाँ पे इस साइड से। अब ये इसका एंड है, ये 5 5 मरले के प्लॉट हैं, और ये एक और लिंक रोड भी है साथ में, ये ये छोटा वहाँ सा, से लिंक रोड और भी इसके आएगा, मकसद सामने अब दो प्लॉट्स हैं तकरीबन 5 5 मरले के। दो प्लाट उस साइड पे भी हैं। अब यहाँ से यूँ मस्जिद की मतलब बैक साइड से भी आप गुजर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको रोड दिया गया है, यहाँ से भी जो पानी की निकासी है वो सबसे बड़ी बात है। मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मतलब आप वीडियो में देखेंगे वो बताएंगे भाई यहाँ प्लॉटिंग तो हो रही है लेकिन उसके बावजूद निकासी का क्या मकसद है, निकासी कैसे होगी क्या नहीं होगा, वो भी मैं आपको सबसे बड़ी सहूलत वो दिखाऊंगा। अब यहाँ से भी देखो मस्जिद की बैक साइड से जो ये रोड यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ पे 2 प्लॉटें होंगी 5 5 मरले के, ये 2 प्लॉट होंगे उसके लिए। वहाँ से भी रास्ता है कॉर्नर का, इस साइड से भी जाएगा। अब ये देखो कॉर्नर का प्लाट आ चुका है, अब सबसे बड़ी बात है निकासी की। बिल्कुल हाँ तो यहाँ से मैं आपको मूव दिखाऊँगा इस साइड पर। अब मैं इसकी बैक साइड पर आ गया हूँ, जैसे मस्जिद की वहाँ पर मिस्त्री खड़ा हुआ है, ये मस्जिद की जगह है। आप यूँ से लोकेशन देखें वहाँ से रास्ता है जहाँ मिस्त्री खड़ा है, वो मेन जगह रोड है। ये जो है प्लाटिंग 10 मरले के उस साइड पर है, और मस्जिद अपना जो मिस्त्री खड़ा है उसकी बैक साइड पे भी 10 मरले के स्टार्ट होने, 10 से फिर 8 8 से 7, फिर यहाँ से यूँ आएंगे 6 मरले के आएंगे 5 मरले के। ये जो जगह है आपको मस्जिद की दिखेगी, मस्जिद बनेगी, पार्क बनेगी, बच्चों के लिए खेलने की जगह भी होगी, झूले भी होंगे, सब कुछ है यहाँ 5 मरले के प्लॉट। सबसे बड़ी बात है आपको निकासी, पानी की निकासी की बात करें, पानी की निकासी ये बैक साइड जो मस्जिद की बैक साइड के जो प्योर प्लॉट है उसकी बैक साइड पे जो मस्जिद के खाला है, ये अब इसको पक्का करेंगे, ये जो खाला है ये पक्का करेंगे बिल्कुल, देख सकते हैं इस साइड पे ये जो पक्का बन जाएगा, फिर पानी की निकासी बहुत ही आसानी से यहाँ से पानी जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, ये निकासी बनेगी पानी की बिल्कुल। यहाँ के प्लॉट अभी आ गए, यहाँ से भी निकासी यहाँ से यहाँ वही हो जाएगी, ये देख सकते हैं इनके यहाँ निशान लगा लगा दिए दिए गए हैं, ये खाला पक्का बनेगा इस साइड पर, पक्का जब बनेगा पानी की निकासी होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी, सब कुछ बहुत ही आसानी सहूलतें होंगी। और लाइट का सिस्टम भी वो भी बैक साइड के पीछे आ चुका है, वो भी लाइट
और जल्द इंशाल्लाह यहाँ आ जाएगी। तो आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मैं जब यहाँ से विज़िट किया मैं साहब, मुझे तो बहुत अच्छा लगा लोकेशन की, तो कोशिश में इंशाल्लाह जारी है, लेंगे इंशाल्लाह जो मेरे जो डेवलपमेंट होगी। तो आप आइएगा, अपने व्यूअर्स को इसके सारे डेवलपमेंट दिखाइएगा, कंस्ट्रक्शन का काम सारा। हाँ इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह जब एक प्रॉपर व्यू बन जाएगा तो हमारे व्यूअर्स भी आपसे इंशाल्लाह रब्ता करेंगे, ख्वाहिश होगी कि आपके थ्रू रब्ता करें चैनल के थ्रू, तो वो भी यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं आपके थ्रू भी। हाँ बिल्कुल सही कहा, जो नंबर मैंने दिया हुआ है वो रब्ता कर सकते हैं, आके विजिट करें, देख सकते हैं यहाँ की लोकेशन सब कुछ है, और यहाँ के जान तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, यहाँ की क्या क्या सहूलतें हैं, निकासी के सिस्टम भी हैं, हर चीज़ें। सबसे बड़ी बात है मेन रोड लग रहा है दोनों तरफ से, ठट्टा सनामा सब रोड लग रहा है, जैसे मिल का रोड भी लग रहा है, फातिमा शुगर मिल दोनों रोड है। और उस साइड पे आप देख सकते हैं जब मेन गेट है वो, उस समय मेरी उंगली की साइड पर देखें वो खंभा जा रहा है लाइट का, वहाँ से भी लाइट आ सकती है, और इसकी बैक साइड पर ही ये आबादी, पीछे साइड पर आबादी, यहाँ से भी लाइट आ सकती है। लाइट के लिए आपको किसी चीज़ की मुश्किल नहीं होगी, आसानी है हर चीज़ की। आप यहाँ पे आएँ, आप देखें, इंशाल्लाह विज़िट करें, उसके बाद सोच समझ के, सिक्योरिटी भी होगी, हर चीज़ की सहूलत दी जाएगी, कोई भी चार दीवारी होगी, सब कुछ है, आपको अंदर हर चीज़ मिलेगा, शॉप भी होंगी, मस्जिद भी, हर चीज़ की सहूलत होगी, आपको किसी चीज़ की मुश्किल नहीं होगी। और यहाँ के आके देखें, विज़िट करें, सोचें, इंशाल्लाह कोई फ्रेब नहीं है, कोई हो नहीं, जैसे लोग कहते हैं ना भाई ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ है, कोई इशू नहीं है इसमें, तमाम चीज़ें आपको क्लियर समझाई जाएंगी, क्या क्या इशू हैं, क्या क्या मसले मसाइल हैं या नहीं है, तमाम आप जब तक मुतमिन हो जाएंगे इंशाल्लाह आप अपना यहाँ प्लॉट ले सकते हैं। मैं कहता हूँ बहुत ही आसानी से और अच्छे यहाँ कॉलोनी जो बन रही है बेहतरीन, और मतलब कम रेट में इससे कहीं नहीं मिल सकती। मॉडल टाउन बना हुआ है, सबसे महंगा है, उससे भी इतनी भी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप आएँ यहीं पर इंशाल्लाह, मेरी भी कोशिश है इंशाल्लाह लेने की, लेकिन थोड़ा गुंजाइश ना होने के बावजूद इसे नहीं ले सकता, लेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों के दोस्त दुआ होनी चाहिए इंशाल्लाह लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों की वीडियो अच्छी लगी, ये वीडियो मैंने आप दोस्तों के लिए बनी है, जो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जो काम जारी होगा वो भी मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको वीडियो दिखाता रहूँगा, जो भी मुझसे रब्ता करना चाहे, मिले, जो यहाँ पर विज़िट करे वो भी इंशाल्लाह साथ में आएँगे, विज़िट करेंगे जो भी होगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।